करते हैं दोस्तों, देखते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स हैं दोस्तों, और मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें क्या क्वालिटी है, कितने की पड़ी है दोस्तों, कौन सी बेटर है, ये हम सब इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, ये रही हमारी पावर बैंक, अब इसको हम खोलते हैं। देखिए ये हमारी पावर बैंक है और इसको हम खोल के देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसको हम खोलेंगे। देखिए ये हमारी खुल चुकी है, हमारी पावर बैंक निकली। देखो दोस्तों ये हमारी पावर बैंक है दोस्तों। देखिए इसमें ये फीचर्स दोस्तों, इसमें हमारी हम देखिए यहाँ पर डिजिटल घड़ी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये हमारी परसेंटेज बता रहे हैं यहाँ पर 25, 50, 75, 100% दोस्तों। इसकी कंपनी की बात करें तो देखिए ये हमारी ST कंपनी की यहाँ पर दिख रही है हमें। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके चार्जिंग के लिए हमारा ये नॉर्मल पिन है, और यहाँ पर ये उसका इसका की यानी बटन दिया हुआ है, इसको हम चालू करके देख सकते हैं। और दो देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन सी पिन आ रही हैं। यहाँ पर देखिए एक दोस्तों, ये हमारी आईफोन की पिन है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर हम इससे आईफोन भी चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा हमारा टाइप सी का दोस्तों, यहाँ पर हम टाइप सी की पिन है दोस्तों, तो टाइप सी मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी ये नॉर्मल पिन है तो इसको हम इससे चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। ये तो होगा इसके तीन फीचर्स, यानी क्या है, ये तीन हमारी क्या दी हुई हैं, तीन हमारी पिन दी हुई हैं, ठीक है, यानी तीन मोबाइल चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक डाटा केबल भी दी हुई है, यदि आप दूसरा चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। अपने तो कोई दूसरा मोबाइल है उसकी डाटा केबल लगा के आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जे हाँ यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक और पिन यहाँ पर टाइप सी दी हुई है, यदि आपके पास टाइप सी केबल है तो आप टाइप सी केबल से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। ये है, और दोस्तों इसकी देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, और दोस्तों इसकी 6 मंथ की वारंटी है। यहाँ पर देखो ये हमारी आउटपुट कितना निकालती है दोस्तों, 2.4 एम्पियर, ठीक है, यानी ये हमारी चार्जर की इतना आउटपुट निकालती है। और दोस्तों इसकी MAH देखिए 20,000 MAH है, ठीक है दोस्तों, ये पावर बैंक। और यहाँ पर देखिए इसकी ऑनलाइन प्राइस देखें दोस्तों, यहाँ पर कितनी लिखी हुई है, 2699। लेकिन दोस्तों ये मैं आपको रेट की बात करूँ तो दोस्तों ये 2699 की नहीं है दोस्तों, ये मुझे पड़ी है 1000 रुपये की दोस्तों। ये वैसे 1300 रुपये की पड़ रही थी, पर दुकान वाला है वो मेरा मतलब परिचित का ही है, तो उसने मुझे 1000 रुपये में दी है। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे 1000 रुपये में मिली है, और देखिए मेड बाय ST प्राइम, ठीक है, मेड बाय ST प्राइम दोस्तों। ये देखिए वहाँ की है, और देखिए ये यहाँ पर इसके कुछ जो दिए हैं दोस्तों, प्रिकॉशन दिए हुए हैं, यानी हम इनसे देख सकते हैं, आपको बता दिया। और दोस्तों इसके साथ देखिए हम चार मोबाइल चार्ज कर सकते हैं यहाँ पर, ये तीन पिनों से दोस्तों, और एक हमारी ये डाटा यहाँ पर USB केबल लग जाती है, तो ये हमारी USB केबल के लिए दिया है। चार स्लॉट दोस्तों, चार मोबाइल हम इससे चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों एक ये भी ऑप्शन है इसमें कुछ, बट इसका पता नहीं है काय के लिए है दोस्तों। यहाँ इसका भी देखिए, इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पावर बैंक दोस्तों, और मैंने इसको चार्ज किया दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी है, आप लेना चाहें दोस्तों। लेकिन शुरू में देखिए, शुरू में आप लाओगे तो ये जल्दी भी डिस्चार्ज हो सकती है, क्योंकि उसमें मशीन का करंट भरा रहता है तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, आप उसको घबराए ना। एक बार अच्छे से 4-5 घंटे इसको चार्ज कर लें, एक बार चार्ज होने के बाद दोस्तों ये प्रॉपर अच्छे से काम करने लगती है। तो दोस्तों ये थी ST की पावर बैंक, यदि आपको लेना है दोस्तों आप इसको ले सकते हैं, अच्छी है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ये आप मार्केट में जाएं तो आप, यदि आपको 1300 है, आप मतलब अपने हिसाब से आपके मार्केट में जो भी प्राइस है उससे आप खरीद सकते हैं। मैंने बता दिया दोस्तों ये अच्छी है, और इसको आप पहली बार ये जल्दी भी डिस्चार्ज हो सकती है, क्योंकि इसका मशीन से करंट भरा रहता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी ना घबराएं, एक बार अच्छे से अपने चार्जर से चार्ज करें, फुल चार्ज होने पर इसे यूज करें दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। चलिए वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं, और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।